टिप्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के टिप्स। जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने तक अपने मन में भटकाव ना आने देना ही एकाग्रता कहलाती है। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए माइंड कंसंट्रेशन का बड़ा महत्व है। जीवन में किसी भी बड़े व्यक्ति के जीवन को उठाकर देख लें, उन्होंने जीवन में एकाग्रता को बनाए रखा है। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण मूल और निर्णायक कारक उसकी एकाग्रता शक्ति होती है। उदाहरण के लिए महाभारत में एक दिन पांडवों और कौरवों की तीरंदाजी की शिक्षा देने के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने अपने विद्यार्थियों की एकाग्रता शक्ति को परखने का फैसला किया। गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ की शाखा पर लकड़ी की एक चिड़िया लगा दी। वे एक एक करके अपने विद्यार्थियों को बुलाते और उनसे उस चिड़िया की आंखों पर निशाना लगाने को कहते। विद्यार्थियों द्वारा आंख पर निशाना लगाते समय गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। उस समय हर एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया और किसी को पेड़ की शाखाएं नजर आती, किसी को पूरी चिड़िया और उसके आसपास की चीज़ें नजर आती, लेकिन सिर्फ अर्जुन ही था जिसने कहा था कि उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ वही था जो चिड़िया की आंख लक्ष्य पर खुद को एकाग्र कर बाकी सभी आकर्षणों को पीछे छोड़ पाया था। यह उसकी एकाग्रता शक्ति थी जिसने उसे उस समय के सबसे बड़े धनुर्धारियों में से एक बनाया था। विद्वानों का मानना था कि अल्बर्ट आइंस्टीन विशेष तकनीक का प्रयोग करते थे जिसके जरिए वे किसी भी चीज पर आसपास के आकर्षणों को नज़रअंदाज करते हुए एक घंटे से अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते थे। हम यह बात जानते हैं कि सिक्स पैक एप्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। इसे बनाने में समय, प्रयास और समर्पण लगता है, कठोर मेहनत लगती है। इसी प्रकार किसी को भी अपनी एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए समय, प्रयास, अभ्यास, कठोर मेहनत की जरूरत होती है, लगातार मेहनत की जरूरत होती है। मेरे दोस्त, एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स इस प्रकार हैं। टेक एनफ रेस्ट। दोस्तों, कंसंट्रेशन पावर सही नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है पर्याप्त रूप से आराम नहीं मिलना। दिमाग का शांत होना एकाग्रता कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन जब आप दिमाग को आराम नहीं दे पाते हैं तो वह इधर उधर भटकता रहता है और वह एक जगह फोकस नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, आपको दिमाग के शांत करने के लिए आपको सही समय पर सही मात्रा में नींद लेनी होगी। आपको रेगुलर एक ही टाइम पर नींद का, खाने का और आराम का सही समय पर सही काम करना होगा। मेक प्लान्स। हर काम का आपके पास प्लान होना चाहिए। एक टू डू लिस्ट आपको तैयार करनी है, क्योंकि बिना प्लान के जब भी आप काम करने बैठोगे तो बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी आप करने लग जाएंगे जिससे आपका फोकस काम पर नहीं रहेगा। तो इन सब को दूर रखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान, एक टू डू लिस्ट होना चाहिए। उसमें 5-10 मिनट आप ब्रेक ले सकते हैं जिससे आप ईमेल चेक कर सकते हैं, अपनी स्टडीज, अपनी हॉबीज, एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट के लिए आपका पूरा एक प्लान होना चाहिए। शारीरिक व्यायाम करें और बैलेंस्ड डाइट लें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है
या कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तो वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता। इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। तेज कदम से टहलना, दौड़ लगाना जैसे एरोबिक व्यायाम आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। एरोबिक्स व्यायाम को अपने दैनिक जीवन के सुखद भाग का हिस्सा बनाएं। यह आपको फिट बनाए रखने में मदद करेगा और आपकी एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाएगा। ताली बजाएं, थोड़ा हंसें, व्यायाम से वार्म अप करें। ये बेहद हल्के व्यायाम हैं जो आपके तनाव के स्तर को कम करने के में भी मदद करते हैं। खुश रहें, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। व्यायाम के अलावा स्वस्थ आहार भी एकाग्रता के स्तर में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे भोजन हैं जिनका व्यक्ति के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे भोजन को अपने जीवन में अपनाएं, जंक फूड खाने से बचें और ऐसे भोजन को अपने आहार में शामिल ना करें। दिमाग वाले खेल जैसे चेस जैसे कुछ खेल हैं उनको खेलें, जो न कि आपके दिमाग को तरोताज़ा करते हैं बल्कि आपकी एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इन सभी खेलों के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए होती है। इन खेलों के खेलने वाले व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता में भी सुधार होता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि लगातार व्यायाम करने से व्यक्ति की मांसपेशियाँ मजबूत बन जाती हैं। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी मांसपेशी माना जा सकता है और शतरंज जैसे खेल को बार बार खेलकर लंबे समय के लिए उच्च एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। मेडिटेशन, ध्यान करें। ध्यान की प्रैक्टिस आपकी कंसंट्रेशन पावर एकाग्रता को जरूर इम्प्रूव करेगी। रोज ध्यान की प्रैक्टिस करने से कुछ ही दिनों में आपको हर काम में बेहतर नतीजे दिखाई देने लगेंगे। टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड साउंड स्लीप। छोटा ब्रेक लें और गहरी नींद लें। रिसर्चेस से पता चला है कि जब कोई व्यक्ति सोता है या आराम करता है तब उस व्यक्ति का मस्तिष्क रीबूट हो जाता है। आराम करने के बाद व्यक्ति का मस्तिष्क अधिक कारगर तरीके से काम करने लगता है। एक दिन में एक साधारण व्यक्ति 7 से 8 घंटे की नींद ही लेता है। बहुत अधिक सोने से भी आपकी एकाग्रता शक्ति पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। काम करने के दौरान या पढ़ाई करते समय छोटा ब्रेक लें या आधे घंटे की नींद भी ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाएगा और आपकी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ने लगेगी।